नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा। ताजनगरी आगरा के अकोला क्षेत्र की शिमला मिर्च इन दिनों खेतों में लहरा रही है। यह मिर्च शिमला मिर्च आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा के साथ साथ दिल्ली और मुंबई की मंडियों में धूम मचा रही है और यहाँ की मिर्च सभी मंडियों में पसंद की जा रही है। हालांकि दीपावली पर शिमला मिर्च का भाव काफ़ी अच्छा रहा था, अब मंडी में लगातार कीमतें गिर रही हैं जिन्हें किसान को काफ़ी डर सता रहा है। अगर बात की जाए किसानों की तो किसानों ने बताया है कि वह लगभग 30 साल से शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। अकोला ब्लॉक के गांव नगला अजीता, नगला करारा, नगला सिकरवार, खेड़िया, अखवाई आदि गांव में दर्जनों किसानों की खेती करते हैं। 80% किसान खेती करते हैं और शुरुआती फसल में किसानों को काफ़ी फायदा हुआ था, इससे किसान गदगद थे। 15 दिनों में लगातार इस समय मंडी में दाम गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ के किसानों का कहना है यह शिमला मिर्च आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा के साथ साथ दिल्ली मुंबई और सहित दर्जनों मंडियों में यहाँ की मिर्च धूम मचा रही है। यहाँ की मिर्च को शिमला मिर्च को काफ़ी पसंद किया जाता है। ये देखिए किसान किस प्रकार सभी खेतों से मिर्चों को एकत्रित करते हैं, उसको पॉलीथिनों में पैक करते हैं और उसके बाद दिल्ली मुंबई सहित अनेक जगह की, मध्य प्रदेश सहित अनेक जगह की मंडियों में भेजते हैं। हालांकि आगरा में इस समय जो वर्तमान समय है उसमें 12 रुपये से लेकर 15 रुपये मंडी में भाव मिल रहा है, मगर इन्हीं मिर्चों का भाव आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई में अच्छा मिल रहा है। दीपावली की बात की जाए तो दीपावली से पहले यहाँ किसानों ने शिमला मिर्च को 90 रुपये किलो के हिसाब से मंडी में बेचा था। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार बड़ी संख्या में यहाँ 80% किसान खेती करता है और यहाँ से देश विदेश मंडी यानी कि आगरा के साथ साथ अन्य जगह भी किसान भेजता है और कुछ किसान तो विदेशों तक भी शिमला मिर्च को भेजते हैं। इस फसल को करने के लिए यहाँ एक बीघा में लगभग 80,000 रुपये की लागत आती है और यहाँ कम से कम 1,00,000 रुपये का मुनाफा हो जाता है और अगर भाव अच्छा मिल जाए तो फिर किसान की बल्ले बल्ले हो जाती है। तो जानते हैं किसानों से क्या कुछ कहना है इस पूरे शिमला मिर्च को लेकर और किस प्रकार का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आएँ तो आप हमारी खबरों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और आगरा की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए, शहर की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए, जनपद की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान सीबी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो जानिए किसानों की जुबानी क्या है इस पूरे मामले को लेकर, किसानों ने किस प्रकार अपनी बात रखी है, देखिए किस प्रकार पॉलीथिन में पैक होकर ये मिर्चियाँ अन्य प्रदेशों की मंडियों में भी जाती हैं। नगला सिकरवार, शिमला मिर्ची की है साहब। अरे शिमला मिर्च यहाँ कितने दिनों से की जाती है? करीब 30 साल है गई साहब। करते करते। हाँ जी। अरे ये शिमला मिर्च जो कहाँ कहाँ तक बेचने जाते हो आप? दिल्ली और आगरा। दिल्ली और आगरा जाते हैं। हाँ जी। अगर लागत की बात की जाए तो एक बीघे में कितना लागत होता है, कितना प्रॉफिट होता है? अब सर लागत अब के बहुत ज्यादा आई है, अब के आई है करीब 80,000 रुपया बीघा। अच्छा। हाँ जी। और प्रॉफिट की बात? प्रॉफिट में साहब कोई ना है, प्रॉफिट कछु लोगों ने है गई, कछु ने घाटे पड़े गए, कछु बराबर हम छूटेंगे। अच्छा, अगर किलो की बात की जाए तो कैसे क्या क्या रुपए किलो तक बिक चुकी है अब तक? एक आधी मंडी है गई ऐसा 80 रुपया किलो तक की। अच्छा, वर्तमान में क्या रेट है इसकी? अब ऐसा 12-13-11 अब ये रेट चल रहा है इस समय, मगर मार्केट में तो आज भी 40 रुपए किलो मिलती है। अब मार्केट में साहब लोग खर्चा उदेते हैं फिर अपनी मेहनतू निकालते हैं। तो क्या लग रहा है इस खेती को फायदा करने में फायदा है कि नहीं? अब साहब भाव मिल जाए तो फायदा है और ऐसे ही रेमामलो तो फिर दिल दुखी है। यहाँ पर शुरू होने वाला है, साल में कोई फर्क ना पड़ती। अच्छा, सबसे अच्छा मुनाफा कब मिलता है इस फसल को? अब ये तो दीपावली से पहले रेट बढ़िया रहते हैं साहब। अरे इसमें भी कई वैरायटी होती है क्या? जी सर। कौन कौन सी होती है?
एक ये साबुन की है, एक आशा है, एक स्पिनिक्स है, कई कई वैरायटी हैं। कितने दिन में तैयार हो जाती है? करीब 60-65 दिन में। 60-65 दिन में तैयार हो जाती है। हाँ जी। यहाँ इस क्षेत्र में कितने लोग करते होंगे? मेरा नाम जोगिंदर सिंह, नगला जीता। ये शिमला खेती है, ये मैंने 2.5 से 3 बीघे में किया है। कहाँ कहाँ मंडी जाती है? ये जाती है मेरी आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, जयपुर। कैसा भाव है? ठीक मिला है, बढ़िया मिला है। अब डाउन हो गई थोड़ी, पहले 80-90 का मिला है। इस क्षेत्र में शिमला सबसे ज़्यादा शिमला होती है, शिमला देसी टमाटर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ। अच्छा मुनाफा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, एक बीघे में अगर हम खेती करते हैं तो कितना मुनाफा होगा? कम से कम मान के चलो तो 5 लाख रुपए। लागत कितनी लग जाती है? लागत कम से कम 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की लागत में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए? बिल्कुल। अच्छा, समय कितना लेती है ये? समय लेती है ये सब 90 दिन। 90 दिन में तैयार हो जाती है? 90 दिन में तैयार होती है, चालू हो जाती है हमारे यहाँ। चलती कितने महीने? ये चलती है हमारे यहाँ 6-7 महीने लगातार। अच्छा, क्या करते हो आप लोग? हाँ, क्या करते हो? खेती करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं। खेती में कौन सी फसलें प्रमुख रूप से करते हैं? प्रमुख रूप से तो इस क्षेत्र में शिमलाई और खाने के लिए गेहूं करते हैं बस, बाकी शिमला देसी। शिमला मिर्च जो दिखाई दे रही है आपके पीछे, कहाँ कहाँ जाती है शिमला मिर्च? ये तो बहुत बहुत दूर तक जाती है। अच्छा, रेट क्या रहती है इसकी? रेट तो ऐसा है कि कम हो गई तो कल्याण हो गया, एक ही मंडी कल्याण कर देगी, 2-3 लाख की बैठेगी। और न कमे हो जाते हैं क्या कहते, और बहुत क्षेत्रों में तो है ही नहीं इतनी, जो इस क्षेत्र में पानी है सबसे बढ़िया। इस बार क्या रेट वेट बन रही है? रेट तो 90-100-110 तक भी की है। बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। मुनाफा हो रहा है कि नहीं कुछ? अरे मुनाफा नहीं होता फिर क्या। दिनेश, शिमला की खेती की जाती है तो कैसे की जाती है, क्या कुछ रहता है इसके लिए? शिमला की खेती क्या है, पहले नर्सरी लगाई जाती है, इसके बाद फिर खेत में रखी जाती है 1 महीने बाद, और उसमें बेड बनाने में DAP पोटास ये डालनी पड़ती है, फिर उसके बाद एक दो स्प्रे ड्रेंचिंग करनी पड़ती है गलन फलन की, उसके बाद फिर दवाई लगाई जाती है। कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 60-65 दिन में चालू हो जाती है। तो इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ ताजनगरी आगरा के न्यू तचड़ी बाईपास के किनारे, नगला, चक्रवार, नगला, करारे सहित कई गांव के बीच हम आज पहुंचे हैं नगला चक्रवार में। आप मेरे पीछे ये देख रहे हो किस प्रकार ये शिमला मिर्च है, और यहाँ की शिमला मिर्च बड़ी संख्या में किसान पैदा करते हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि हर गांव में लगभग 80% किसान शिमला मिर्च की खेती करता है, और यह शिमला मिर्च आगरा सहित दिल्ली, बंबई सहित अनेक जगह की मंडियों में जाते हैं, और इसको अच्छा मुनाफा भी होता है। किसान का कहना है कि इस बार बरसात के चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है, परंतु दीपावली से पहले जिन लोगों की ये शिमला मिर्च शुरू हो गई थी उनको 80 और 90 रुपये प्रति किलो का भाव मिला था, वर्तमान में यह भाव 12 रुपये से 15 रुपये के बीच चल रहा है। फिर भी इसमें एक बीघे में जहाँ 80,000 रुपये का देखिए लागत आती है, तो वहीं लाखों रुपए की मुनाफा भी होती है, ऐसा किसानों का कहना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ की शिमला मिर्च आपको बता दें दिल्ली, बंबई में धूम मचा रही है, बड़ी संख्या में आप यहाँ शाम को देख सकते हो बड़ी गाड़ियां लदकर यहाँ से मंडियों के लिए निकलती हैं। यहाँ अधिकांश दर्जन भर गांव 80% किसान शिमला मिर्च को ही करता है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।